स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ हेल्पर। सी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8। इट इज गिवन दैट 3 cot a इज इक्वल टू 4। यू हैव टू चेक दैट 1 माइनस टेन स्क्वायर a ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब आपको इससे देखो cot a की वैल्यू दी हुई है, 3 इधर आ जाएगा 4/3। cot होता है 1/10, 1/10 की वैल्यू हो गई 4/3, सो tan a की वैल्यू हो जाएगी 3/4। tan a की वैल्यू आ गई 3/4। अब tan a होता है टू प्रेजेंट ब्यूटी। ये वाला ट्रिक याद करने का तरीका कि tan a क्या होता है, sin a क्या होता है, cos a होता है, मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी वाली वीडियो का लिंक, यू कैन सी। परपेंडिकुलर आ गया 3, बेस आ गया 4। अब इधर से देखो, ये परपेंडिकुलर, अगर ये एंगल a है तो ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, मीन्स ये 4 आ गया, परपेंडिकुलर आ गया 3। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस का अंडर रूट, मीन्स 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, मीन्स रूट ऑफ 25, दैट इज 5। तो आपका हाइपोटेन्यूज 5 आ गया। टेन ए की वैल्यू आ गई 3/4, परपेंडिकुलर 3, बेस 4 एंड हाइपोटेन्यूज 5। अब लेफ्ट हैंड साइड शुरू करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आपको ये बताना है ये दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं। सिंपली वैल्यू सब्सिट्यूट करो, टेन ए की 3/4, इधर आ गई 3/4 का स्क्वायर, नीचे भी 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 9 ओवर 16। 16 एलसीएम ले लो, ऊपर आ जाएगा 16 माइनस 9, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1, 16 और 1 का एलसीएम 16, 16 डिवाइडेड बाय 1 16, 16 इंटू 1 16, सो 16 माइनस 9 ओवर 16 आ गया, इधर आ गया 16 प्लस 9 ओवर 16, दोनों डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे, 16 माइनस 9 7 और 16 प्लस 9 25। ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, मीन्स कॉस ए का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। अब कॉस ए कर्ली ब्यूटीफुल हेयर, मीन्स कॉस की वैल्यू है 4/5। डिस्क्रिप्शन आप देख लेना इसको याद करने का, वैल्यूज कैसे निकालते हैं, कॉस की क्या होती है, साइन की क्या होती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, यू कैन सी। साइन ए सम पीपल हैव, मीन्स क्या हो गया 3/5, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम ले लो, दोनों में 25 है, डिनोमिनेटर सेम है, 25 आ जाएगा। फिर ऊपर आ जाएगा, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाली वैल्यू सेम तरीके से लिख देते हैं, 16 माइनस 9 7 आ गया, 7/25। देखो इधर भी 7/25 आ रहा है, इधर भी 7/25 आ रहा है, तो लिखोगे यस दे आर इक्वल, यस दे आर इक्वल। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना और बाकी बच्चों को भी शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।